हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा पिछले लेक्चर में मैंने क्या स्टैटिस्टिक्स में अपने क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने फार्मूला कराया था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का उससे मानक विचलन का फार्मूला क्या था आपके पास में? तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडरूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला था, ठीक है। अब मैं इसमें देखो, अगर आपके पास में अगर फ्रीक्वेंसी डेटा हो तो फिर उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना। तो हालांकि देखो फ्रीक्वेंसी वाला कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो। तो जब इंडिविजुअल डेटा हो तो उसमें ये फार्मूला लगाना है आपको। अगर इंडिविजुअल डेटा में अगर वैल्यू काफ़ी बड़ी हो तो अपने अज्यूम्ड मीन लेट करके उसमें से उसका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस निकाल लेते हैं। तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, देखो इसमें तो फोर इंडिविजुअल, ये पहला पॉइंट, इसमें देखो फोर इंडिविजुअल डेटा, ठीक है। तो आपके पास में वेरिएंस, तो कई तो देखो इसमें ऐसे लगाते हैं एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, ये वेरियंस बताया मैंने, ठीक है। तो अब इसमें बेटा आपके पास में ये, फिर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास में ये वेरिएंस हो गया। तो इसको देखो सिंपल ऐसे भी लिखते हैं वेरिएंस एक्स, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया एस टी। तो इधर आपके पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, इस फॉर्म में रहेगा बेटा। अगर इंडिविजुअल डेटा में आपके पास में वैल्यू अगर ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ दी ऑब्जर्वेशन आर वेरी लार्ज इन इंडिविजुअल डेटा, तो अज्यूम्ड मीन से आप कर सकते हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इफ द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन आर वेरी लार्ज ऑब्जर्वेशन आर वेरी लार्ज, अगर वेरी लार्ज हो तो उस केस में आप क्या है, ठीक है, वी यूज शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, वी यूज द फॉलोइंग मेथड, फॉलोइंग फॉर्मूला, ये आप फार्मूला देखो ये वाला यूज कर लेंगे। तो कौन सा उसमें, तो वेरियंस क्या आएगा, सिग्मा मतलब जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन, तो सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वेयर ऐसा, ठीक है। इसमें और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो वो आपके पास में सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन, तो सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वेयर ये। अब कई बार क्या होता है कि मैं आपको ऐसे दे देता है जैसे देखो 100 101 ऐसे इस टाइप का दे दिया, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसमें देखो अगर आप ये फार्मूले से करोगे इससे तो ये काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाए। तो आप इसमें अज्यूम्ड मीन सपोज कर लो, यहाँ पर आपके पास में डी क्या है एक्स माइनस से, सो व्हाट इज ए इज अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, कल्पित माध्य, ए कल्पित माध्य है, इस तरीके से। तो देखो अगर मैं इसका अगर आपको पूछूं तो इसमें देखो आप बीच वाली से कोई वैल्यू एक्स 105 लेट कर लिया, इसमें देखो एक्स ऐसा है ना जैसे ये 100, ये आपके पास है 101, लास्ट में आपके पास में ये कितना है 110, तो इसको मैंने ए क्या अज्यूम कर लिया 105 अज्यूम कर लिया। तो आपके पास में डी क्या आ रहा है देखो यहाँ पे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, तो 105 ये आपके पास में इधर -5 -4, तो इस तरीके से -3 -2 and -1 0 ऐसा आएगा, ठीक है। तो इधर तो फिर आगे फिर वही इसमें फिर क्या आएगा आपके पास में, तो 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में आएगा, क्लियर है। तो अब इसमें बेटा आपके पास में इनका सम तो फिर डी स्क्वेयर निकाल लेंगे, तो डी स्क्वेयर क्या आ रहा है आपके पास में, डी स्क्वेयर तो 25 16,
तो 9, 4, 1, 0 ऐसे ही आते जाएंगे। ये एक्चुअल में है कितने आपके पास में, ये 6 हैं, ठीक है। तो इधर सॉरी 6 नहीं, इसमें 11 है, 11। तो ये आपके पास से 5 हो तो 5 वाला वो 0 हो जाएगा, तो इधर आपके पास में सेम ये इधर आ जाएगा, तो 25 वो जो भी है ये इनका सम क्या आ जाएगा आपके पास में, सिग्मा डी क्या आएगा आपके पास में, 0। तो एक्चुअल में तो इसी को यूज़ करना है आपने, तो इसमें आपके पास में वेरियंस क्या आ जाएगा आपके पास में, सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन माइनस, तो ये आपके पास में इधर, तो ये वैल्यू निकल आएगी आपके पास में इधर, ये सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वेयर। तो ये सिंपल बन गया, इसका सम कितना आएगा आपके पास में, 25, 50, 50 एंड 55, तो 55 आ रहा है, तो 55 उधर हो जाएगा, तो 2 अपॉन व्हाट 11, तो ये आपके पास में किसके इक्वल आ गया, सो दिस इज 5 10, सो रूट 10, सो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, रूट 10 आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, इस तरीके से मतलब भी अब ये कैलकुलेशन छोटी हो गई, अगर नहीं तो अगर आप ऐसे इसको पूरा डायरेक्ट लोगे तो वो क्या है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी चली जाएगी। तो इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी डेटा हो, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रहेगा आपके पास में, सो वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा इस तरीके से सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर, क्लियर है। तो वे चाहे वो कंटिन्यूस हो, चाहे ग्रुप्ड हो, चाहे अनग्रुप्ड हो, तो ग्रुप्ड में आपके पास में एक्स विल बी द मिड वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल, क्लियर है। तो एक्स में अगर ग्रुप अनग्रुप्ड है तो फिर आपको सीधा ही क्या है, उसके एक्स की वैल्यू उठानी है बेटा, ठीक है। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा आपके पास में, सिग्मा, सो दैट विल बी, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे फ्रीक्वेंसी डेटा का कभी नहीं आया स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ठीक है। और इसमें अगर अपने को देखो, अगर एक्स की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो तो उसमें फिर आप वही इस तरीके से आप इफ वैल्यूज ऑफ एक्स आर वेरी लार्ज, अगर बहुत बड़ी हो तो फिर आपके पास में सिग्मा स्क्वेयर क्या आएगा, सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन सिग्मा एफ माइनस, सो वेयर डी इज क्या आएगा आपके पास में, एक्स माइनस ए इज अज्यूम्ड मीन, ठीक है। ये तो ये आप ध्यान में रखें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये वेरिएंस हो गया इधर आपके पास में, ये सिग्मा एफ डी स्क्वेयर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ अंडर रूट में, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अगर मैं आपको ये पूछता हूं फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो वेरिएंस वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक बार क्या अभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है जेईई मेंस में उस फार्मूले से रिलेटेड, तो
वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो अपने पास में उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो मेरे को ये बताओ वेरिएंस आपके पास में क्या रहेगा, तो सिग्मा स्क्वायर वन स्क्वायर, पहले तो देखो वही फार्मूला तो वही रहेगा ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। इसमें देखो आपके पास में वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एन, इधर आपके पास में इधर वन प्लस टू प्लस थ्री अपॉन एन होल स्क्वायर। तो इसमें आपके पास में इसकी वैल्यू क्या होती है, एन एन प्लस वन, तो टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स एन, तो इधर आपके पास में एन एन प्लस वन अपॉन टू एन होल स्क्वायर, तो इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से आपके पास में एन एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया एन एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन। तो बेटा ब्रैकेट में आपके पास में टू एन प्लस वन अपॉन थ्री माइनस, तो यहाँ से एन प्लस वन अपॉन टू इस फॉर्म में आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आएगा आपके पास में एन प्लस वन अपॉन टू, इधर फोर एन प्लस टू माइनस थ्री एन माइनस थ्री अपॉन सिक्स इस फॉर्म में आएगा। तो ये बेटा आपके पास में क्या आ गया यहाँ पे एन प्लस वन अपॉन टू एंड एन माइनस वन अपॉन सिक्स, तो क्या हुआ एन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व। सो ये आपके पास में व्हाट इज दिस, दिस इज द वेरियंस ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो वेरियंस ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वी हैव एन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन एन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व अंडरूट में। ठीक है, तो ये आपको क्या है सिंपल ये याद रखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आया हुआ है जेई मेन में, तो वो जैसे देखो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूँ, सीधा डायरेक्ट उसमें यूज होता है। क्वेश्चन क्या है, इफ द वेरियंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज टेन, इसमें क्वेश्चन ये है इफ द वेरियंस ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर इज एम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन। ठीक है, एन कह रहा है द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज टेन। ठीक है, एंड वेरियंस ऑफ फर्स्ट एम इवन नेचुरल नंबर, एम इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इस 16। तो वो कितना कह रहा है आपके पास में 16 कह रहा है। चलो वो एक बार इसमें पहले बेटा आपको एक प्रॉपर्टी मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसमें, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा रहने दो अभी, तो बाद में बात करते हैं, पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो वो ये थोड़ा सा दिक्कत आएगी अभी इसमें, क्या भाई उस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट यूज करोगे देन फाइंड क्या है एम प्लस एन। चलो अभी बात करते हैं पहले इस क्वेश्चन की, तो बात करेंगे अभी, पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर देखो आपके पास में इन डिस्ट्रीब्यूशन और इन डेटा, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय ए सम क्वांटिटी लैम्डा, देन वेरिएंस ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल रिमेन सेम। अगर आपके पास में किसी भी बंटन में, किसी भी डेटा में अगर प्रत्येक परीक्षण में कोई लैम्डा राशि जोड़ दी जाए या घटा दी जाए, तो प्राप्त नए परीक्षणों का आपके पास में प्रसरण व मानक विचलन वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन या इन ए डेटा, इन ए डेटा या सीरीज, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाई लैम्डा, देन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन अनचेंज्ड। क्या रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो मतलब क्या मतलब है इसका, वेरियंस किसका, x प्लस लैम्डा। तो वेरियंस किसके बराबर, x के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फिर आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा x प्लस लैम्डा, तो आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा फिर आपके पास में, वही रहेगा सेम। अब देखो सेकंड, इन डेटा If each observation is multiplied by lambda, then अगर प्रत्येक observation को lambda से multiply कर दें, देन वट विल बी द, फिर उस स्थिति में आपके पास में जो नए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा उनका वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। फिर उसमें इफ इन ए डेटा इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, देन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी गिवन एज, क्या आएगा आपके पास में, विल बी गिवन एज, तो क्या आएगा आपके पास में किस फॉर्म में, सो वेरियंस ऑफ लैम्डा एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स, ये रहेगा। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी, ये ध्यान दें, so that will be modulus of lambda and standard deviation of x, so standard deviation will be multiple of modulus of lambda of the standard deviation of the old one observations, clear hai। to aapke paas mein ye isme to third point jo main bata raha hu isme third point dekhe ab isme तो ये मेन प्रॉपर्टीज है बेटा, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो इन फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज से मेरे को ये बताओ क्या बना, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी आपके पास में, सो व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ए एंड इंक्रीज बाय बी, प्रत्येक परीक्षण को जब ए से गुणा और बी उसमें जोड़ दिया जाए, तो वेरियंस ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स, ऐसे तो प्रसरण यही रहे, मतलब क्या हो जाएगा, द वेरियंस ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी ए स्क्वायर टाइम्स द वेरियंस ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस,
ये रहेगा। तो अब आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा इसमें, सो दैट विल बी मॉडुलस ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये ध्यान रहे इस फॉर्म में आएगा। फोर्थ देखो, अब आपके पास में फोर्थ पॉइंट जो बता रहा हूं, अगर आपके पास में दो सीरीज हैं उनके आपके पास में वेरिएंस पता है और उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है और देयर अर्थमेटिक मीन्स यू नो, सो व्हाट विल बी देयर कंबाइंड वेरिएंस, तो कंबाइंड वेरिएंस क्या होगा, तो क्या लिखेंगे अब इसमें, इफ टू सीरीज और टू डेटा, और इफ टू सीरीज हैविंग वेरियंस सिग्मा वन स्केयर एंड सिग्मा टू स्केयर, ठीक है, एंड हैविंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उनमें प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, एन वन एंड एन टू रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड देयर मीन आर एम वन एंड एम टू, उनके मीन बेटा एम वन और एम टू हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो उनके जो माध्य हैं वो एम वन बाय एम टू, देन देयर तो ये क्वेश्चन मैंने अभी मिटाया नहीं बेटा, इसको भी अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पढ़ा रहने दो अभी एक साइड में, इसमें फिर देन देयर कंबाइंड वेरिएंस, तो कंबाइंड वेरिएंस क्या होगा उसका, देखो इधर, तो सिग्मा स्क्वायर एन वन सिग्मा वन स्क्वायर एन टू सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस इधर आपके पास में एन वन एन टू एन वन एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू होल स्क्वायर और इधर एम वन माइनस एम टू होल स्क्वायर, इस फॉर्म में रहेगा। तो ये ध्यान दें फार्मूला का थोड़ा सा, एक बार ये जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, सो सिंपली क्या था उस क्वेश्चन में, आपको अर्थमेटिक मतलब क्या उसमें अर्थमेटिक मीन ऑफ बोथ दी सीरीज आर गिवन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर गिवन एंड देयर वेरियंस आर गिवन, सो फाइंड द कंबाइंड वेरियंस, तो ये डायरेक्टली यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला, तो ये फार्मूला लगाना था उसमें, ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो आपके पास में कंबाइंड वेरियंस आएगा, ठीक है, तो ये फार्मूला ध्यान में रखना, यहाँ पे ये स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है। अच्छा अब इसमें फिफ्थ देखें, फिफ्थ क्या है, देयर इज ए सम रफ रिलेशन बिटवीन द मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन होता है, मीन डेविएशन इज द 4/5 टाइम्स, मीन डेविएशन इज द 4/5 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका मतलब सो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये तो अब अपने पास में ये फार्मूला ध्यान में रखें, तो ये आपके पास है 4/5 सिग्मा, तो मीन डेविएशन इज द 4/5। अब अपने पास में द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन टेकन या वेरियंस टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज, उसमें मैं क्या बता रहा हूं, इसमें इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट मीन डेविएशन, तो उसके मीन डेविएशन से ज्यादा होगा, तो मैं इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके पास में लास्ट पॉइंट है बेटा,
तो लास्ट पॉइंट क्या है देखें, इसमें आपके पास में कितने पॉइंट्स हुए, चार हुए क्या, पांच, देखो जो भी है जितना भी पॉइंट हुए लास्ट में क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम अर्थमेटिक मीन is always for a continuous data, for a continuous distribution, is always greater than or equal to मीन डेविएशन, ठीक है। इसमें देखो आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन फॉर ए कंटिन्यूस, मतलब जो इंटरवल वाले, मतलब जो जिसमें वर्ग, मतलब आपके पास में क्लास इंटरवल आते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन से बड़ा या उसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इसमें ये प्रॉपर्टीज बता दी, तो ये प्रॉपर्टी जो लास्ट में बताई है इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन तो आया नहीं है, तो बाकी तो वैसे भी जनरली क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, तो मीन डेविएशन से बड़ा रहता है, तो ये वैसे मैंने कंटिन्यूस के लिए बताया इसमें। तो और इसमें देखें आपके पास में कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो बता देता हूँ, इसमें कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, नेक्स्ट फार्मूला है कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दैट इज सिग्मा अपॉन एक्स बार एस एन, एंड कोफिशियंट ऑफ वेरियंस, तो कोफिशियंट ऑफ वेरियंस क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100, ये क्या है, दिस इज यूज टू कंपेयर द टू और मोर सीरीज, तो इट इज यूज टू कंपेयर टू और मोर सीरीज। अब देखो आपके पास में कैसे, अगर आपने कोई भी सीरीज का देखना है कि वो कंसिस्टेंट है क्या, विच वन इज द कंसिस्टेंट, भी कौन सी बेटर है, तो बेटर उसमें देखो आप, उसमें देखो उसको चेक करने के लिए लास्ट में आपके पास में कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस लगाया जाता है, जिसका कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस कम होगा तो दैट विल बी द बेटर वन, और जिसका कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा होगा वो आपके पास में वो बढ़िया नहीं होगी। तो इसमें देखो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वहाँ पे आपके पास में मीन वैल्यू से जो डिस्पर्सन है, स्कैटरनेस है, दैट इज मोर, तो वो उसमें ज़्यादा उसमें स्कैटरनेस होगा तो इसलिए वो उसको बेटर नहीं समझा जाएगा। तो जिसका कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस विल बी मिनिमम दैट विल बी मोर कंसिस्टेंट, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी, वो ज़्यादा बढ़िया होगी। तो ये समझ में आ गया। अब इसमें देखो आपके पास में एक क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल होता है, तो उसमें देखो मैं क्या बताता हूँ, इसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इसमें जेई मेन में,
चेंज ऑफ ओरिजिन, ये क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, किसी भी सीरीज में इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय इज सम क्वांटिटी लैम्डा, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ ओरिजिन। तो इस प्रोसेस को चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ द मीन एंड मीडियन एंड मोड इफ ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज और डिक्रीज बाय सम क्वांटिटी लैम्डा, सो मीन अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन एंड मोड विल बी अफेक्टेड, क्लियर है, तो वो चेंज हो जाएंगी, दे विल चेंज, बट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस विल नॉट चेंज, क्लियर है, एंड मीन डेविएशन भी नहीं चेंज होगा। तो वो आपके पास में दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, चेंज ऑफ ओरिजिन। अब चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इन ए सीरीज आर मल्टीप्लाइड बाई सम क्वान्टिटी लैम्डा, सो यू नो, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्केल, एंड ऑल द सेंट्रल वैल्यू एंड हेयर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन दे विल ऑल्सो अफेक्टेड बाई द चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल से वो भी क्या आपके पास में, दे आर डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, तो चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, तो इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं अपने, इन ए सीरीज इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड by some quantity lambda, so ठीक है, increased is increased or decreased by a some quantity lambda, so then this process is called, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, is called चेंज ऑफ ओरिजन। तो चेंज ऑफ ओरिजन बोलेंगे इस प्रोसेस को। तो आपको पता होना चाहिए मीन, देखो मैं क्या बता रहा हूं इसमें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन एंड मोड आर डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजन, सो दे डिपेंड्स ऑन, दे आर अफेक्टेड बाई द चेंज ऑफ द ओरिजन, ठीक है। और इसमें मैं आगे क्या कह रहा हूं, वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन, ठीक है, तो वो आपके पास में, एंड मीन डेविएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजन, ठीक है, ये चेंज ऑफ ओरिजन। अब बेटा इसमें चेंज ऑफ स्केल क्या आएगा, चेंज ऑफ स्केल, तो देखें फटाफट इसमें, इन ए सीरीज इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड by some quantity lambda, तो lambda is not equal to zero, so ये process क्या, then this process is called change of
स्केल, चेंज ऑफ स्केल होंगे। तो इसमें देखो आपके पास में सारे के सारे, सो मीन, मीडियन, मोड, वेरियंस, स्टैंडर्ड डिवीशन एंड एमडी मीन डिवीशन, ठीक है, आर डिपेंडेंट ऑफ, आर डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, सॉरी चेंज ऑफ स्केल, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थ्योरी करवा दी बेटा। अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो देखें फटाफट इस क्वेश्चन को, चार पांच क्वेश्चन कर लेते हैं, खुद आप ट्राई करो फिर बेटा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया था, इसमें देखो मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, वेरियंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, तो आपके पास में देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सॉल्यूशन इसका, सो अंडू टेन स्क्वायर, वेरियंस कह रहा है, तो वेरियंस में आपके पास में एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व दैट इज टेन, सो दिस इज एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 120, सो दिस इज 11। अब वो क्या कह रहे हैं, दी एंड दी वेरियंस ऑफ द फर्स्ट एम इवन नेचुरल नंबर, तो आपके पास में ये पता है ना, सो ईच, अगर आपके पास में बेटा यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट एम इवन नेचुरल नंबर लिए, सो ईच नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, अगर आपने क्या इसमें एम नेचुरल नंबर लेते हैं, फर्स्ट एम नेचुरल नंबर, ईच इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, टू, तो इसमें आपके पास में वेरिएंस क्या आएगा, देखो इस तरीके से, तो ऐसे मैं ये कहता हूँ ना, जैसे ये आपके पास है 2, 4, सो ये यहाँ पे कितने एम है, एम इवन नंबर है, तो इसमें अगर मैं दो कॉमन निकाल लेता हूँ तो 1, 2, 3 ऐसे आ गया, सो ये क्या हो गए, एम इवन, एम नेचुरल नंबर हो गए, इसको समझें थोड़ा सा, सो एम नेचुरल नंबर ईच इज मल्टीप्लाइड बाई 2। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपके पास में m नेचुरल नंबर है, इफ ईच इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सो व्हाट विल बी द वेरियंस ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 square into वेरियंस ऑफ द फर्स्ट m नेचुरल नंबर, तो इसमें देखो आपके पास में क्या आएगा, तो 2 square into वेरियंस ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर, इस तरीके से लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू व्हाट, 16। तो देखो ये आपके पास में 4, इधर आपके पास में बेटा क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, सो दिस इज 16, ये कितना हो गया आपके पास में, सॉरी 4, तो एम स्क्वायर ये आ गया आपके पास से 49, सो एम इज 7, तो व्हाट इज द सम, m प्लस n इज इक्वल टू वी हैव 18, तो आपके पास में 18 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखें आपके पास में और देखें क्वेश्चन, इसमें दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं,
इन्हें सेट ऑफ फिफ्टीन ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेंड, ठीक है, फॉलोइंग डेटा आपके पास में, तो क्या सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर वी हैव एंड सिग्मा एक्स सो फिर बाद में क्या लेटर इट वाज फाउंड दैट दी, उसमें देखो आपके पास में लेटर इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन 20 इज रॉन्ग, ये गलत है, वाज रॉन्ग, ठीक है, एंड इट्स करेक्ट एंड इट्स करेक्ट वैल्यू, इसकी करेक्ट वैल्यू क्या है, इज 10, ठीक है, इट्स करेक्ट वैल्यू इज 10, देन फाइंड द करेक्टेड वेरियंस, तो करेक्टेड वेरियंस निकालना है, तो आपके पास में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 15 है, तो पहले तो अपने पास में इसमें देखो आपके पास में इसमें तो करेक्टेड निकालने के लिए इसमें आपको क्या है इनकरेक्ट वेरियंस निकालने की जरूरत नहीं है, तो करेक्टेड निकालने के लिए बेटा इसमें कुछ गलत आपके पास में ऐड हुआ हुआ है, दैट इज 20 स्क्वायर, तो अपने देखो इसमें सिंपल सा है सॉल्यूशन क्या है, इसमें ऐसा क्वेश्चन आता रहता है जेई मेन में, तो इसमें आप क्या करोगे करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी 2830 माइनस हियर 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये करना है अपने को, तो दिस विल बी माइनस कितना आएगा 300 इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे बेटा, सो 300 यहाँ पे सबट्रैक्ट किया तो दिस विल बी 2530, ठीक है, अब आपके पास में करेक्टेड सिग्मा एक्स, तो करेक्टेड सिग्मा एक्स निकालना है तो बेटा आपके पास में सो दिस माइनस तो माइनस का 10 160, सो व्हाट इज द करेक्टेड वेरियंस तो वो आपके पास में क्या आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, इस फॉर्म में बेटा, तो आपके पास में दिस इज 2530 अपॉन व्हाट इज एन 50 माइनस, तो ये आपके पास में 160 अपॉन 15, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ रहा बेटा, तो इसको आप जैसे सिंप्लीफाई आप करोगे तो इधर ये 170, सो करेक्टेड में आपके पास में, तो ये इसमें चलो कोई बात नहीं, मैंने इसमें थोड़ा 30 था बेटा, ये 30 है, ठीक है, तो कुछ है इसमें ऐड हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ये जो भी आ रहा है इसको देख लें 10 है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी वैल्यू इसकी आती है वो खुद कर लोगे, इसको कैलकुलेट कर लेना, दैट विल बी इट्स आंसर, ठीक है, तो डेटा वो इस तरीके से देगा कि वो उसमें कैलकुलेशन सही बैठे, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में यहाँ पे 30 है, तो कोई बात नहीं, ये आपने 10 से कर लिया, तो जो भी आंसर आता है वो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ओके, नेक्स्ट देखें,
सीरीज हैविंग टू एन ऑब्जर्वेशंस, कितनी है, टू एन ऑब्जर्वेशंस, हाफ ऑफ देम, हाफ ऑफ देम ईच इक्वल टू ए एंड रिमेनिंग हाफ एंड रिमेनिंग हाफ ईच इज इक्वल टू, ईच इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है. सो फाइंड, फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ एस टी इज, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, दो. अब वो क्या कह रहा है कि था एक श्रेणी में दो एन पद हैं, उसमें आधे क्या है, आधे में क्या है, प्रत्येक की वैल्यू कितनी ए है, हाफ ऑफ देम ईच इक्वल टू ए, क्लियर है. अब अपने पास में एंड रिमेनिंग, तो बाकी रिमेनिंग आपके पास में हाफ ईच इज इक्वल टू माइनस ए, देन स्टैंडर्ड डिवीजन इज टू. इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन इज टू, ठीक है, फाइंड मॉडुलस से, तो मॉडुलस से एक की वैल्यू अपने को निकालनी है, इसकी वैल्यू बताइए. तो देखो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है इसमें, अब मेरे को ये बताओ इसमें सॉल्यूशन, इसका मीन क्या आएगा, दैट विल बी जीरो, ए माइनस ए अपॉन टू एन दैट इज इक्वल टू जीरो. तो आपके पास में सिग्मा एक्स अपॉन टू एन, सो दैट इज जीरो. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन टू एन माइनस, इधर आपके पास में सिग्मा एक्स अपॉन टू एन, बेटा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी जीरो. तो इधर बेटा आपके पास में जो वैल्यू है उसको देखो, आपके पास में क्या आएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितनी बार आएगा, सो टू एन टाइम्स, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, टू, ये टू के इक्वल है, अपॉन टू एन. तो आपके पास में दिस विल बी टू एन ए स्क्वायर अपॉन टू एन, तो ये दिस विल बी मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू टू, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू, ठीक है. तो ये ध्यान रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इसमें देखें आगे क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन बता रहा हूं. लेट x1 x2 x3 xn बी एन ऑब्जर्वेशन, बी एन ऑब्जर्वेशंस सच दैट
सिग्मा एंड सिग्मा एक्स 18. सो देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन. देन क्वेश्चन में ऐसे पूछा है, देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन अमंग द फॉलोइंग इस, तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो सकता है? तो फर्स्ट आपके पास में बेटा क्या 12, सेकंड 9, थर्ड 18 एंड फोर्थ 15. तो ये देखो आपके पास में इसमें, तो क्वेश्चन में क्या आपके पास में x1 x2 x3 बी द n ऑब्जर्वेशन सच दैट दिस सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर सॉरी सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू वी हैव 400. क्लियर है? तो आपके पास में इधर तो सिग्मा x इज इक्वल टू 80. सो देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ n अमंग द फॉलोइंग इज, तो कौन सी वैल्यू आपके पास में पॉसिबल हो सकती है? ठीक है, तो इसमें देखें आपके पास में क्या बनेगा, 400. तो सीधा सिंपल आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन विल भी क्या आएगा, ST, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर इस फॉर्म में. इसमें बेटा आप वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा आपके पास से, 400 अपॉन एन, ये दिस इज विल बी हियर 80 अपॉन एन होल स्क्वायर. तो आपके पास में जैसे फंक्शन में आप ट्रीट करते हैं तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए. तो ये आपके पास में देखो ऐसा है, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसको अपने सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, 400 ये माइनस 6400 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16. तो बेटा एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आएगी, तो 16 तो इसमें है ना ही, सो विच इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, सो दैट इज 18. तो वो आपके पास में 18 रहेगा. और देखो इसमें देखो एक क्वेश्चन ऐसा है तो मैं ये करवाऊंगा नहीं, वैसे बता रहा हूं आपको, देखो आप खुद कर लेना इसको. तो 1 to 10 x-5 एंड इसमें देखो आपके पास में 1 to 10 x-5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 ऐसा है. ठीक है, अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब इधर देखो आपके पास में, सो नाउ ये आपके पास में फॉर दी किस ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो xi ऑब्जर्वेशंस क्या बेटा, इसमें ऑब्जर्वेशंस आर xi एंड i कहां से कहां तक है, यहां पे 0 से मतलब 1 से 10 तक है, 1 से 10 तक ये डेटा गिवन अपने को. ठीक है, देन फाइंड द वेरियंस ऑफ x1-3 x2-3 इस तरीके से कितने का है. अब देखो इसका वेरियंस निकालना है बेटा. अब आपके पास में फॉर ऑल दी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन 5 इज सब्ट्रैक्टेड, तो 5 सब्ट्रैक्टेड है उसमें से. आपके पास में देखो यहां पे आप इसको 10 नीचे ले जाएंगे तो इसमें मेरे को ये बताओ
दैट विल गिव द अर्थमेटिक मीन. मैंने आपको ये बताया था, आपको क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी, इफ सम क्वांटिटी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन और सम क्वांटिटी एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, सो वेरियंस रिमेन अनचेंज, तो वेरियंस चेंज नहीं होगा. तो आप इसका देखो वेरियंस निकाल लो, इसमें मैं 10 को नीचे लाता हूँ, इधर क्या आएगा आपके पास में, इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, वो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितना आएगा आपके पास में, इधर 10 को नीचे लाएंगे तो 2 आएगा, इसमें आपके पास में इधर क्या 10 को नीचे लाएंगे कितना आएगा आपके पास में, 4 आएगा. ठीक है, तो इधर 4 आ गया आपके पास में उसकी 4, और उधर आपके पास में वेरियंस फिर इसका इस क्या बनेगा आपके पास में इधर, सो इसको 10 1, सो 3 आ गया, तो सीधा ही आपके पास में वेरियंस क्या हुआ इसका, सो इधर से 10 नीचे 4 माइनस 1 सीधा ही तो करना है बेटा, इसका वेरियंस इज 3. ठीक है, तो इसका आंसर ये जिससे जेई मेन में आया हुआ है. तो ये मैंने आपको थोड़ा बेटा इसमें आपको स्टेटिस्टिक्स का ये बताया, इसके क्वेश्चन आप क्या है 2019-20 के ऑनलाइन के क्वेश्चन लगाइए, तो उसमें कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप पे पूछिए बेटा. ओके, ये मैंने थ्योरी बता दी, कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं इसमें, तो इसमें कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो आप. तो बेटा नेक्स्ट, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है रीजनिंग. सो व्हाट इज द रीजनिंग, रीजनिंग के शुरू करेंगे अब अपने. तो गणितीय विवेचन, इसमें हिंदी में नाम इसका पड़ता है बेटा गणितीय विवेचन. सो मैथमेटिकल रीजनिंग पहले सबसे पहले आपके पास में इसमें आता है सेंटेंस. तो व्हाट इज द सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, वाक्य. ठीक है, इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ व्हाट, सिंबल्स वर्ड्स लेटर्स. ठीक है, इट इज मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ सम सिंबल लेटर्स और वर्ड्स. ठीक है, जैसे देखो आपके पास में सिंबल, जैसे मैं इसमें एग्जांपल के लिए क्या कहता हूं, फर्स्ट मतलब इंडिया, मतलब क्या है इसमें, न्यू दिल्ली इज द, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है, या जयपुर इज द कैपिटल ऑफ, कैपिटल ऑफ राजस्थान. ठीक है, तो सेकंड जैसे मैं ये कह देता हूं 2+5=7. ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी एग्जांपल इसमें ले सकते हो. इसमें जैसे देखो यहाँ पे थर्ड एक्स बिलोंग्स टू एन, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन 0. फोर्थ
प्लीज ड्राइव द कार. कार स्लोली. ठीक है, ये आपके पास में इसमें फिफ्थ. वेयर इज योर हाउस? वेयर इज योअर हाउस? तो ये आपके पास में क्वेश्चन इंटरोगेटिव हो गया. ये आपके पास में क्या हो गया यहाँ पे? तो ये रिक्वेस्ट हो गई. ठीक है, या इसमें ऑर्डर भी हो सकता है आपके पास में. प्लीज डोंट मेक नॉइस. तो इस तरीके से मैंने ये कुछ एग्जांपल दिए बेटा. इसमें सिंबल आ गए प्लस. ठीक है, ये इसमें भी आपके पास में सिंबल आ गया. प्लीज ड्राइव द कार स्लोली. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए. ठीक है, तो अब आपके पास में ये क्वेश्चन मार्क वाला हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है, तो आपके पास में ये सिंपल हो गया आपके पास में. अब इसके बाद में आता है स्टेटमेंट. तो देखो, अगर मैथमेटिक्स में कोई भी स्टेटमेंट अगर क्या है, कोई भी सेंटेंस अगर ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स हो, सो देन दैट सेंटेंस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट. तो उसको स्टेटमेंट बोलेंगे. तो इसमें देखो मैं क्या कह रहा हूं, स्टेटमेंट. व्हाट इज द स्टेटमेंट? द सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ. दोनों नहीं हो सकता एक साथ. द सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, इज कॉल्ड स्टेटमेंट. कोई भी स्टेटमेंट क्या है, एक साथ क्या ट्रू. सो नो स्टेटमेंट कैन नॉट बी, मतलब नो स्टेटमेंट कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स. तो इसमें ये ध्यान रहे, नो स्टेटमेंट कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स. अब देखो आपके पास में दिस इज स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हो गया. ठीक है, तो क्यों इसमें आपको पता है, तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो वो उसकी राजधानी है. ये भी आपके पास में स्टेटमेंट है, 2 + 5 = 7. अगर ये 2 + 5 = 8 लिख देता तो भी ये स्टेटमेंट थी, बट इट इज फॉल्स. फिर वो फॉल्स है. x बिलोंग्स टू n, सो दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट. देन x इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है ये. प्लीज ड्राइव द कार, ये ऑर्डर हो गया, ये आपके पास में रिक्वेस्ट हो गई. ये भी एक क्या, इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो गया. ठीक है, तो ऐसे आपके पास में मैं क्या बता रहा हूँ, द सेंटेंस विच आर एक्सक्लेमेटरी, तो वो जो सेंटेंस होंगे एक्सक्लेमेटरी, दे आर नॉट स्टेटमेंट. तो इसमें देखो, a sentence which is
एन एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी वाले जैसे मतलब ये कह देते हैं जैसे अलास हिज फादर पास्ड अवे, मतलब ये अफसोस उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, इस तरीके के मतलब ही ये एक्सक्लेमेटरी होगी। आ व्हाट ए चार्मिंग वेदर, मतलब ही क्या सुहाना मौसम है। तो ये आपके पास में इससे ऐसे जो सेंटेंस हैं तो मतलब ही ओह व्हाट ए हीट टुडे, मतलब ही कितनी गर्मी है, हाउ मच हीट टुडे, तो ये भी आपके पास में एक्सक्लेमेटरी हो गए। तो सच सेंटेंसेस एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच आर नॉट ए स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट नहीं, और विश और ए विश और एन इंपेरेटिव और ए विश और इंपेरेटिव और इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट नहीं होंगे। अब देखो कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि भी जैसे मैं ये कह देता हूँ मैथमेटिक्स इज एन मतलब मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो देर आर सम स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक द मैथमेटिक्स एंड सम स्टूडेंट लाइक द मैथमेटिक्स। सो वन स्टेटमेंट वन सेंटेंस मतलब वन स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू और एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली। इसमें देखो एक साथ वो क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे कि वो उनको पसंद ही नहीं है भाई सही, मतलब इट इज नॉट इंटरेस्टिंग एंड समवन विल से दी इट इज इंटरेस्टिंग। तो इसमें देखो क्या कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये ध्यान दें, क्लियर है? अब मैं ये कह देता हूं विराट कोहली इज ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, गलत। आप इसमें ऐसे कहोगे कि विराट कोहली इज द क्रिकेट प्लेयर, दिस इज ट्रू। सो दिस इज ट्रू, दिस इज स्टेटमेंट। अब गुड प्लेयर, अब वो कहीं कहेंगे नहीं है, कहीं कहेंगे हाँ, तो वो हमेशा ट्रू नहीं है, हमेशा फॉल्स भी नहीं है। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो समवन विल से ही इज नॉट ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। तो जब किसी के क्वालिटी लगाते हैं ना, तो क्वालिटी में जब ये क्वालिटी आ गई तो उस केस में वो क्या है आपके पास में सेंटेंस, वो स्टेटमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें इज नॉट ए स्टेटमेंट, ये पता लग गया। अब अपने बात इसमें बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसको। तो एक लेक्चर हो रहा है अपने पास में, तो उसको ख़त्म करेंगे जल्दी से। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही बेटा। ओके, थैंक यू।